दो फॉर्मूला भी हम लोग लिखेंगे, ये मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए है, और यहां से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है मेडिकल और इंजीनियरिंग में, जेई में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में दिखेगा आपको। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज टर्म दिया रहेगा, परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंट दिया रहेगा, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया रहेगा, अब तब बोलेगा मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो बहुत आसान है, एक लाइन में ही आंसर, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी व्हेन मास परसेंट, मास परसेंट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवेन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवेन, मतलब आपको मास परसेंट मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट भी दिया रहे और क्या दिया रहे, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया रहे, तो आप मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्या वो क्या सो दिया रहेगा, मतलब दिया रहेगा आपको पता है कि परसेंट से पहले किसका अमाउंट सॉल्यूट का, तो आपको सॉल्यूट दिया रहेगा, मान लीजिए एक्स परसेंट वेट बाय वेट, डेंसिटी दिया रहेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए डी ग्राम पर एमएल दे दिया आपको, ठीक है, और सॉल्यूट का मोलर मास तो कैलकुलेट कर लेंगे हम एटॉमिक मास को जोड़ करके, मतलब मान लेते हैं मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास मानते डब्ल्यू, तो उस केस में मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करना, मोलारिटी मतलब जब भी आपको मास परसेंट परसेंटेज वेट बाय वेट और डेंसिटी क्वेश्चन में दिखे तो मोलारिटी के लिए यही ट्रिकी फॉर्मूला यूज करना है, मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा टेन डी एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा 10 डी एक्स डिवाइड बाई क्या डब्ल्यू हो गया, डायरेक्ट इस पे वैल्यू पुट कीजिए आपको आंसर आ जाएगा मोलारिटी का, मतलब मोलारिटी का वैल्यू आ जाएगा, जहां पे ये जो है एक्स है वो सॉल्व हो गया, सॉल्व का अमाउंट डी क्या हो गया डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, और डब्ल्यू क्या हो गया मोलर मास, किसका मोलर मास सॉल्यूट का मोलर मास, तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब क्या सब दिया रहे हैं मास परसेंट दिया रहे और क्या दिया रहे डेंसिटी सर। ये पहला फॉर्मूला था, मतलब जस्ट लाइक समझ लीजिए ट्रिक है कैलकुलेट करने के लिए, मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट सेकेंड नंबर जानेंगे, मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे जब आपको दो सॉल्यूशन देगा, कितना सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन, उस दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट सेम रहेगा, सॉल्यूट क्या रहेगा सेम, सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम रहेगा, अब बोलेगा क्या कि पहला सॉल्यूशन का मोलारिटी M1 है, दे देगा आपको मोलारिटी, पहला सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है M1 और दूसरा सॉल्यूशन का मोलारिटी M2 है, दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा, उसका मोलर मास सेम होगा, जब सॉल्यूट सेम है तो मोलर मास भी तो सेम ही होगा ना, पहला सॉल्यूशन का मोलारिटी M1, दूसरा सॉल्यूशन का मोलारिटी M2, अब पहला सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो V1 दिया रहेगा, दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम वी टू दिया रहेगा, फिर बोलेगा आपसे कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, दोनों सॉल्यूशन क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद एक नया सॉल्यूशन बनेगा, और वो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलारिटी कितना होगा, तो आप क्या करेंगे एम वन और एम टू को जोड़ देंगे, कर देंगे जोड़ देंगे ना, कर दिए ना गलती, गलत आंसर आएगा, वैसा आंसर तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, लगेगा कि हम सही बना लेकिन वो गलत होगा, उसको कैलकुलेट कैसे करना मोलारिटी, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद नया सॉल्यूशन जो बनेगा उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो आप नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी व्हेन टू, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी का कैलकुलेशन व्हेन टू, जब दो टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट का मतलब अलग अलग डिफरेंट मोलारिटी एंड वॉल्यूम मिक्स्ड विद इच अदर, एक दूसरे के साथ मिला जाता है मिक्स्ड विद इच अदर, एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है इच अदर। देखिए पहला सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना मान लिया M1, दूसरा सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना मान लिया, ये क्वेश्चन में दिया है क्लियर,
अब पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या मान लिए V1, दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या मान लिए V2। अब मोलारिटी निकालना, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते, दो सॉल्यूशन क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद मोलारिटी, तो M1 प्लस M2 नहीं होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलारिटी बराबर हो जाएगा, ये किस सॉल्यूशन का मोलारिटी है, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी है जिस सॉल्यूशन में इस दोनों सॉल्यूशन को मिलाया गया है, तो हो जाएगा M1 × V1। पहला सॉल्यूशन का मोलारिटी गुने पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्लस M2 V2, दूसरा सॉल्यूशन का मोलारिटी और गुने दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम का जोड़, सम ऑफ बोथ सॉल्यूशन, मतलब V1 प्लस क्या V2 निकल गया मोलारिटी। ये दोनों जो फॉर्मूला लिखा है आपको वो परसेंटेज हमारा पहला नंबर, और जब दो सॉल्यूशन दिया रहे, दोनों का मोलारिटी दिया रहे, वॉल्यूम दिया रहे, और बोले दोनों सॉल्यूशन को मिला देते हैं, मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलारिटी क्या होगा, उस केस में आप फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1 + M2V2 / V1 + V2। ये ट्रिकी फॉर्मूला हो गया, कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा यहाँ से उतारिया।